From once a shy and underconfident girl to now a successful and bright television and film actress, हेलिशा ने अपने 11 साल के एंटरटेनमेंट जर्नी में विदाउट एनी डाउट किया है बहुत कुछ अचीव। टेलीविजन पे अपनी उम्दा एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेरने के बाद अब हेली रुक करने जा रही हैं ऑफ द बिग स्क्रीन और वो भी रीजनल। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, हेली विल बी सून सीन इन अ गुजराती फिल्म अपोजिट वत्सल सेठ। हालांकि फिल्म अभी अनटाइटल्ड है पर फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से हो गई है शुरू। हेली एक्टिंग को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि हेली नेवर प्लान्ड ऑन मेकिंग अ करियर आउट ऑफ इट। हेली की लाइफ में एक्टिंग ने दस्तक दी थी बाय चांस। अपने स्कूल टाइम से ही हेली करती थी थिएटर और उसी दौरान उन्हें हुआ था एक टीवी शो ऑफर जिसके लिए वो मुंबई आई थी। भाई वो शो तो कभी नहीं हुआ शुरू, पर किस्मत का खेल कह लीजिए कि सेम कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें एक दूसरे शो के लिए कर दिया फाइनल। वहां से शुरू हुआ था 15 साल की हेली का एक्टिंग करियर। हेली तो ये भी कहती हैं कि उनको इंडस्ट्री में सभी लोगों ने किया है बहुत पैम्पर और उनके कम उम्र का होने का ना तो कभी किसी ने मजाक बनाया और ना ही कभी उनको अंडर एस्टिमेट किया। शी सेज दैट शी इज अ वन वुमन आर्मी हु हैज बीन लिविंग एंड शाइनिंग ऑल वन हर ओन। टीवी पे एक 22 साल की लड़की का किरदार निभाने वाली वो 15 साल की हेली अब करने वाली है गुजराती सिनेमा में अपनी धमाकेदार एंट्री। सुनने में आ रहा है कि इस मूवी की शूटिंग होगी द्वारका में, जहां वो फाइनली अपनी लाइफ में पहली बार बनेगी एक लीडिंग एक्ट्रेस। सोचने वाली बात तो ये है कि आज 11 साल से इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी हेली के नाम पर है जीरो कंट्रोवर्सीज। जहां आजकल लोग यूज करते हैं अपनी फेक लव स्टोरीज और कैट फाइट्स टू रिमेन इन द लाइमलाइट, हेली हैज ऑलवेज लेड अ वेरी सिंपल एंड ग्राउंडेड लाइफ। उनके शोज में भी सब हमेशा सिर्फ उनकी तारीफ करते दिखते हैं और वो भी होती हैं सबके गुड बुक्स का हिस्सा, फ्रॉम डायरेक्टर्स टू प्रोड्यूसर्स टू इवन हर को-स्टार्स। हेलिशा रिसेंटली थी सुर्खियों में क्योंकि वो इकलौती इतनी कम उम्र एक्ट्रेस हैं जिन्होंने किया है अपना कैंस डेब्यू। अपने कैंस डेब्यू में भी उन्हें झेलने पड़े थे कई सवाल क्योंकि उनके सारे ड्रेसेस थे इंटरनेशनल डिजाइनर्स के। इस पे भी हेली ने कहा कि उनका लास्ट ऑप्शन था इंटरनेशनल डिजाइनर्स के कपड़े पहनना क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में किसी को मंजूर नहीं था कि एक टीवी एक्ट्रेस के लिए ड्रेसेस बनाना फॉर कैंस। शी सेड शी वाज डिसहार्टेंड, पर फिर भी उन्होंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की ऑन द कैंस रेड कार्पेट। हेली रोज टू फेम विद हर सुपरहिट टीवी शो सुरागनी, जिसके बाद वो झलक दिखलाजा पर भी देखी जा चुकी हैं। हेली की कामयाबी उनकी शॉर्ट फिल्म जिबा से भी नापी जा सकती है जो कि ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। इतने कम उम्र में 10 सक्सेसफुल साल उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं और अब हम उम्मीद करते हैं कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री भी उन्हें हीरोइन के तौर पर काफी प्यार देगी।